तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अभी हम करगिल वॉर मेमोरियल के पास पहुंचे थे भाई। तो अभी हमने सोचा कि भाई एक छोटा सा व्लॉग कर लेते हैं भैया, और हमारी बाइक्स जो है नीचे लगा दी हमने। सो ये रहा करगिल वॉर मेमोरियल। सो आपको बता देते हैं भाई, ये देख सकते हैं भाई पूरा स्टेशन जहाँ पे करगिल वॉर मेमोरियल हुई थी भाई। और ये रहा इसका मेन गेट, ये देख सकते हैं। हाँ भाई, पूरा आपको सब बता देंगे भाई, ये वाला देख सकते हैं। सो अंदर चलते हैं बताओ। तो भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं, सो आगे चलेंगे। सो आपको भी बताएंगे भाई, यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो करगिल जो ये कुछ प्लान क्रैश हुआ है, आई थिंक धूप लग रही है वहाँ पे, आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। सो मैं यहाँ से बता देता हूँ भाई, ये पूरा पीछे आप देख सकते हैं, पूरे तिरंगे वगैरह लगे हुए हैं भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। तो गाइज़, यहाँ पे कुछ अपने जो इंडियन भाई, थोड़ा सा बैड फील हो रहा है कि भाई इतने सारे शहीद एक साथ यहाँ पे दफन हैं। तो भाई ये इनकी सब बनाई हुई है समाधि वगैरह। तो आप यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं भाई, पूरा पीछे देख सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छा नहीं लग रहा है, ये इनकी मेमोरीज जो हैं आप देख सकते हैं भाई, पूरी यहाँ से पूरा देख सकते हैं भाई, कितने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं भाई इस जगह पे अपने देश के लिए। सो भाई बहुत ज़्यादा हमें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, मुझे काफ़ी सा दुख सा महसूस हो रहा है भाई, क्या बताऊँ मैं भाई। अभी इतने जो भी हमारे फौजी जवान हैं, और वहाँ पे कुछ सॉन्ग वो खुद से ही कर रहे हैं, यहाँ पे कोई म्यूज़िक प्ले नहीं है, तो खुद से ही बोल के कर रहे हैं भाई। तो बाकी यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब जाने का अलाउड नहीं है, कुछ रूल्स हैं यहाँ के, तो वो भी हम कर लेंगे। सो काफ़ी आपको हम कुछ और भी बता देते हैं भाई, अगर आप खुद ही पढ़ लेना भाई। सो ये रहा भाई यहाँ का, सो आप खुद ही पढ़ सकते हैं भाई, मैं अगर बताऊँगा तो सादा हो जाएगा। ये देख सकते हैं भाई पूरा इसमें आप पढ़ सकते हैं भाई, जो भी इनके बारे में लिखा हुआ है। तो बाकी ये देख सकते हैं भाई, कितने अपने शहीद जवानों की ये समाधि बनी हुई है भाई यहाँ पे। सो और ये पीछे करगिल वॉर मेमोरियल और अपना तिरंगा। तो भाई ये देख सकते हैं पीछे भाई, ये भी आप कर सकते हैं, हमें इसका पड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको कुछ रूल्स जो हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड है, तभी उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 50 रुपये पे करना पड़ता है भाई, ये यहाँ का रूल है। और यहाँ पे जितनी भी घास वाला एरिया उस पर चलने की परमिशन नहीं है। सो जितना भी ये जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई है, पक्के वाला जो भी है, उस पर हम चल सकते हैं, और यहीं पे हम बैठ के फ़ोटो वगैरह और वीडियोस शूट नहीं कर सकते भाई, ये यहाँ का रूल्स है। और अपना तिरंगा बच्चों देखो कितना अच्छा लग रहा है, सल्यूट है भाई इन सारे जवानों पे जो भाई हमारे देश के लिए शहीद हुए, हमारे लिए शहीद हुए हैं। सो भाई आप भी इनके लिए दुआ करना, ताकि इन्हें भी अच्छे से अच्छा मुकाम मिल सके आगे। तो बाकी नीचे कुछ एक, तो बाकी ये वाला ये जो पूरा एरिया है, तो भाई ये अपना जोजिला पास का, सॉरी ये अपना करगिल वॉर का ही है। ये अपना तिरंगा देख सकते हैं भाई, कितना अच्छा लग रहा है लहराता हुआ। सो इन जवानों के लिए भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, इन जवानों के लिए भाई एक सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे ये रूल्स हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते हम अंदर वाली साइड, नहीं तो आपको भी ये भी बता देते। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा वो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाकी जमीन ने सामने एक तिरंगा वह बना हुआ है, वहाँ पे कुछ 4 फौजियों के मतलब से स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं।
तो बाकी ये लोग भी हैं अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं, तो भाई है भी ना थोड़ा सा ज़्यादा रोने लग गया भाई। ये भी क्या हुआ तुझे? ओ ऐसा नहीं करते यार, छोड़। नहीं यार मतलब फंसा कुछ नहीं है ये, यहाँ पे आके ना फील हो रहा है यार। हाँ वो होता है यार, होता है, बस अपने देश के लिए हूँ मैं, कोई बात नहीं, रोना मत भाई। इब्बी को ना थोड़ा सा रोना आ गया भाई, रोना तो मुझे भी आ रहा है, बट मैं सल्यूट करता हूँ भाई इन जवानों पे जिन्होंने शहीद जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, और इनके घर वालों पे, इनके माँ पे जो जिन्होंने जिनकी माँ बाप ने इतने उधार शहीद पैदा किए, जो अपने देश के लिए शहीद हुए भाई। मेरे मुंह से कुछ इससे वर्ड भी नहीं निकलने कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, बट सल्यूट है भाई इनको, सबको सल्यूट है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर हमारे लिए नहीं करते तो भाई इन शहीदों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना भाई, और अपने तिरंगे के लिए सब्सक्राइब करके जाना भाई। तो भाई अभी वापस जा रहे हैं, तो अभी आप पीछे यहाँ पे आई थिंक शाम को रोज़ कुछ यादाश्त में कुछ सेलिब्रेट करते हैं, आई डोंट नो भाई क्या, बट जो भी है बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके, और थोड़ा सा हमें दुख भी लगा भाई इतने सारे शहीदों की एक जगह समाधि बनी हुई। तो अभी इब्रार भाई भी साथ में हैं, तो अभी निकलेंगे भाई यहाँ से, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे भाई।